आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पर रखे कुछ ही सामानों से ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने वाले तो आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। बिना ज्यादा खर्चे के और बिना ज्यादा मेहनत किए ये टेस्टी स्वीट आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी केवल मिनटों में। जितनी ज्यादा देखने में सुंदर है उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनेगी। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ ये कितनी ज्यादा दानेदार बनी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध मैंने यहाँ पर उबला हुआ ही लिया है, बिना मलाई वाला। आप यहाँ पर मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं और कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तो अब हमें इस दूध को अच्छे से पकाते रहना है एक उबाल आने तक। एक उबाल आ जाए फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जब तक हमारे दूध में अच्छे से उबाल आए तब तक हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। हम लेंगे ये सिट्रिक एसिड, किसी भी किराना स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा, इसे टाटरी भी कहते हैं। इसे हम थोड़े से पानी डालकर इसे छोड़ देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए 4 से 5 मिनट में हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब जो हमने सिट्रिक एसिड वाला लिक्विड बनाकर रखा था ना, वो हमें इसमें डालना है। लेकिन ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही हम इसे डालेंगे। ये देखिए ये कुछ मेल्ट हो गई है और कुछ अभी भी बची हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस पानी को धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और आप चमचे से इसे चलाते रहेंगे और आप देखेंगे कि चुटकियों में हमारा दूध फट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हलवाई भी इसी तरीके से पनीर को बनाते हैं, इसीलिए तो उनका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पनीर बनाने के लिए सारा लिक्विड इसमें डाल दिया है और कुछ सिट्रिक एसिड अभी बाकी है, तो वो हम रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से बिना नींबू बिना किसी तामझाम के हमारा दूध अच्छे से फट गया है और इसका पनीर बन गया है। तो आज जो हम मिठाई बनाने वाले हैं वो बनाएंगे पनीर से, इसलिए हमने घर पर ही पनीर बनाया है, इसी से हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, खुला बर्तन ही हमें यहाँ पर लेना है। इसके ऊपर स्टील की छलनी रखेंगे और एक सूती कपड़ा रखेंगे। मैं पनीर बनाने के लिए इसी कपड़े का यूज करती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब जो हमारा पनीर बना है ना, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध से कितना सारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते जाएंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। तो लीजिए जितना भी पनीर में एक्स्ट्रा वाटर था वो सब हमने निकाल लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा होममेड पनीर बनकर तैयार है, बहुत ही स्पॉन्जी और बेहद सॉफ्ट। अब हम इस पनीर को स्वीट बनाने में यूज कर रहे हैं, तो अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपको घर पर पनीर बनाना है तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो अब हमें मिठाई बनानी है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर एक लोहे की भारी सी कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध, यहाँ आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मलाई वाला बिना मलाई वाला या कच्चा कैसा भी। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, ये सब चीजें हम बिना गैस चलाए ही इसमें मिक्स करेंगे। अब जो हमने पनीर बनाकर रखा था ना, वो भी हमने मैश करके इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इन सब चीजों को मिला लेंगे। ऐसा करने से मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। तो जब दूध में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तभी हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे।
तो अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे पकने देंगे जब तक कि ये दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारे कमेंट कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और जो हमारी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सुपर टेस्टी और इजी रेसिपीज। तो अब हमें दूध को अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हम इसे पकने देंगे। अब मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए इसके लिए मैंने यहाँ पर दो इलायची को भी तोड़कर इसमें डाल दिया है। अब इलायची भी इसमें अच्छे से पकती रहेगी तो इसकी बहुत ही टेस्टी अच्छी सी खुशबू मिठाई में आ जाएगी। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम अपना कंटेनर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी कंटेनर ले लेंगे, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि डीमोल्ड करते टाइम हमारी मिठाई बिल्कुल भी ना चिपके। तो हमारा दूध पहले से कहीं गाढ़ा हो गया है और इसको हम साइड में से भी खुरसते रहेंगे। जो इसमें मलाई जमती रहती है ना, उसको भी हमें साथ के साथ निकालते जाना है। अब मैंने इसमें एक छोटी कटोरी चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालकर भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगी हैं और दूध पहले से कहीं गाढ़ा हो गया है और इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी है। बहुत ही आसान सी मिठाई की रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। केवल घर पर रखे 3 सामान से ही ये बनकर तैयार हो जाती है। बस जब तक गाढ़ी होने लगे तब तक हम इसे पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारी बर्फी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमें ये रखनी होती है। बस अब जो हमने कंटेनर को तैयार कर रखा था ना, उसमें हम इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे सेट कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और फिर इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे 10 मिनट के लिए यहीं पर ढककर छोड़ दिया था और ये अच्छे से सेट हो गई है। चलिए जल्दी से इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है, आपको देखकर ही आइडिया हो गया होगा। बर्फी को जिस साइज में आपको रखना है उस साइज में कट कर लीजिए और जिसे भी आप ये खिलाएंगे ना, सब आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब ऊपर से आप इसे बादाम, पिस्ता किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कुछ गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर दिया है। बहुत ही कम सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाती है और जिसे भी आप ये खिलाएंगे कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपने खुद से घर पर बनाई है। ये देखिए, कितनी अच्छी एकदम दानेदार और बेहद सॉफ्ट बर्फी ये बनकर तैयार होती है। आई होप आपको इसे देखकर ही खाने का मन कर रहा होगा। तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी और न्यू टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।